हेलो दोस्तों, रेखा की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी पाव भाजी, और वो भी बहुत जल्द बनके तैयार होगी। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिया है ये गोभी है, और एक आलू है, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर। सब्जियां आप अपनी पसंद के अनुसार जो भी डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। सबसे पहले हम गोभी को और आलू को रफली काट लेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं काटना है, रफली काटेंगे इनको इस तरह से। इन सब सब्जियों को हमने अच्छे से धो लिया था, धोने के बाद हम इनको काट रहे हैं इस तरह से। बड़े बड़े टुकड़े हम इनके काट लेंगे। सभी सब्जियों को हमने रफली काट लिया है, और आधा हमने इसमें चुकंदर भी डाला है अच्छे कलर के लिए। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, वरना आप बगैर चुकंदर के भी बना के तैयार करें। चलिए अब हम गैस पर कुकर चढ़ाएंगे और इन सब्जियों को हम पकाएंगे। हमने गैस पर ये कुकर चढ़ा दिया है, अब हम इसमें तेल डालेंगे। अभी ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, 2 चम्मच करीब तेल हमने इसमें डाल दिया है। तेल हमारा अच्छे से गरम हो जाए फिर हम इसमें जीरा डालेंगे। तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है, इसमें से धुआं निकल रहा है, अब हम इसमें जीरा डाल देंगे सबसे पहले, और साथ ही एक हरी मिर्च काट के लिए वो भी डाल देंगे। हरी मिर्च और जीरा अच्छे से भुन गया है, अब एक इसे अच्छा फ्लेवर देने के लिए हमने 2 चम्मच पाव भाजी मसाला लिया है, हम इसको डाल देंगे, और मसाला जल ना पाए। साथ ही हमने जो सब्जियां रखली काट के रखी थी वो भी डाल देंगे। मसाले में सब्जियां अच्छे से मिक्स हो गई हैं, अभी हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। ये आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर है, ये भी हम साथ में डाल देंगे और मिला देंगे इसे। और बस अब हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे, पानी ज़्यादा नहीं डालना है, और इसे मिला देंगे। और हमने अभी इसमें नमक नहीं डालना है, तो हम 1 चम्मच करीब हम इसमें नमक भी डालेंगे और इसे भी मिला देंगे। अब हम इसमें ढक्कन लगा देंगे, और ढक्कन लगा कर हम इसे 2 सीटी आने तक पकाएंगे, और 2 सीटी आ जाने के बाद हम गैस ऑफ कर देंगे। जब तक हमारी सब्जियां पक के तैयार हो रही हैं तब तक हम बाकी की भी सब्जी काट लेंगे। ये प्याज है, अगर आप प्याज छोटी हो तो आप 2 डालें, मेरी प्याज ये बड़ी है इसलिए हमने 1 ही ली है। 2 शिमला मिर्च हैं, इन्हें भी हम बारीक काट लेंगे, और 3 टमाटर लिए हैं, मीडियम साइज़ के हैं। अगर आपके बड़े टमाटर हों तो आप 2 या 1 डाल सकते हैं। और आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, और 4-5 कली लहसुन के लिए हैं, साथ ही 2 हरी मिर्च लिए। इन सब चीज़ों को हम बारीक काट लेंगे, इन सब्जियों को हम बारीक बारीक काट लेंगे। अगर आपके पास चॉपर हो तो आप उसकी मदद से भी बिल्कुल बारीक काट सकते हैं। इसी तरह से हम सारी सब्जियों को बिल्कुल बारीक बारीक काट के तैयार कर लेंगे। सभी सब्जियों को हमने बारीक काट लिया है, अब हम जो हमने कुकर में सब्जियां रखी थी उनको भी हम चेक कर लेते हैं। हमने गैस बंद कर दी थी और इसकी भाप भी निकल गई है, अब हम इसका ढक्कन खोल के सब्जियों को चेक करेंगे। सब्जियां देखिए हमारी अच्छे से गल गई हैं, दबाने से ये पूरी तरह से दब रही हैं, और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब इस कुकर को हम एक साइड कर देंगे और इस पर हम कढ़ाई चढ़ाएंगे। हमने गैस पर ये कढ़ाई चढ़ा दी है, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे सबसे पहले।
हमने 2 चम्मच करीब ऑयल डाला है इसमें, और साथ ही हम अपने पाव भाजी में अच्छा टेस्ट देने के लिए इसमें हम 2-3 पीस बटर के डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, और तेल डालने से बटर जलेगा नहीं, अकेला बटर डालते तो वो जल जाता। इसे अच्छे से मिला देंगे हम दोनों चीज़ों को, और सबसे पहले ये लहसुन और हरी मिर्च है इसको डालेंगे। इस लहसुन का हमने पेस्ट बना लिया था और हरी मिर्च को बारीक काट लिया है, इसे हम डाल देंगे और अपने इसमें फिर अच्छे से मिला देंगे। और साथ ही ये अदरक है इसको भी हमने ग्रेट कर लिया था, इसे भी हम डाल देंगे। और ये प्याज है इसको भी बारीक काट लिया था, इसे भी हम साथ में डाल देंगे, और इसे हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे प्याज। प्याज हमारी अच्छे से भुन गई है, गोल्डन हो चुकी है। अब जो शिमला मिर्च हमने काट के रखी थी उसको भी हम डाल देंगे, और इसके साथ इसको भी हम पकाएंगे, और साथ ही जो हमने टमाटर काट के रखा था उसको भी हम डाल देंगे, और इसे भी इसके साथ ही हम पकाएंगे। हमारी सब्जियां अच्छे से गल चुकी हैं, अभी हमने इसमें कोई मसाला नहीं डाला है, और हम इसमें डालेंगे ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ये तीखा नहीं होता है, बढ़िया कलर के लिए हम डालेंगे ये 1 चम्मच भर के कश्मीरी मिर्च पाउडर है, और साथ ही ये पाव भाजी मसाला है, 1 चम्मच पाव भाजी मसाला डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इन सब्जियों में थोड़ा पानी डालेंगे और इन्हें थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए ढककर पकाएंगे। ये थोड़ा सा पानी हमने इसमें डाल दिया है, और इन्हें मिक्स कर देंगे और इसे ढककर पकाएंगे 2 मिनट के लिए, जिससे सब्जियां और सॉफ्ट हो जाएंगी। 2 मिनट हो चुके हैं पानी डाले हुए, हम सब्जियां देख लेते हैं। हमारी सब्जियां अच्छे से गल चुकी हैं, और जो हमने कुकर में सब्जियां बॉईल करके रखी थी अब उनको भी हम एक साथ मिला देंगे। हमारी पाव भाजी बहुत गाढ़ी लग रही है, इस वजह से अभी हम इसमें कुछ पानी डालेंगे, क्योंकि पाव भाजी का टेस्ट जब ही अच्छा आता है जब वो पाव के साथ खाने में अच्छे से लगे, और अगर पाव भाजी गाढ़ी रहेगी तो वो पाव के साथ खाने में बिल्कुल सूखा सूखा टेस्ट आएगा, इसलिए हम इसमें थोड़ा आधा गिलास करीब हम इसमें पानी डालेंगे। इस कुकर में हमने सब्जियाँ बॉयल की थी उसी में हमने आधा गिलास पानी डाल दिया है, और उसका पानी हमने फिर इसमें डाल दिया है। अब इसे 2 मिनट और पकाएंगे, बस फिर हमारी पाव भाजी रेडी है। हमारी पाव भाजी बनके तैयार हो गई है, देखिए कितनी बढ़िया बनके तैयार हुई है। अब ऊपर से इसमें हरा धनिया डाल देंगे और बस इसे हम निकाल देंगे। ये हमने पाव लिए हैं, इन्हें बीच से हम काट देंगे इस तरह से, और अब हम इन्हें सेंकेंगे। ये हमने तवा गैस पर चढ़ा दिया है, अब पाव सेंकने के लिए हम एक बटर का टुकड़ा लेंगे और इसे डाल देंगे, और साथ ही जैसे वो मार्केट वाले पाव भाजी बनाते हैं हम थोड़ी सी पाव भाजी लेंगे और इसे भी डाल देंगे, थोड़ी सी हरी धनिया, और साथ ही अब जो पाव हमने लिया था उसको लेंगे और इस तरह से दोनों तरफ से हम इसे सेंक देंगे, जिस तरह से वो होटल वाले बनाते हैं इस तरह से हम इसको सेंकेंगे बढ़िया दोनों तरफ से। ये हमारा पाव दोनों तरफ से सिक के तैयार हो गया है, अब हम इसे निकाल के सर्व कर लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया हमारी पाव भाजी बनके तैयार हुई है। अगर आपको मेरा ये पाव भाजी बनाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।